नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। बांग्लादेश के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की गई और चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का जश्न आज मनाते हुए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो कसीदा ने ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामना दी। वहीं पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और जापान दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्ते को लेकर हमें बहुत खुशी है। विमान लैंडिंग के मामले में भारत ने नई उड़ान भरी, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के सहयोग से विमान लैंड कराने की नई तकनीक का सफल परीक्षण किया और इसका पहला परीक्षण राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाई अड्डे पर गगन आधारित LPV तकनीक के माध्यम से विमान लैंड कराया गया। बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी से राज्यों में गहराया बिजली संकट। वही सरकार ने दावा किया है कि मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त कोयला है। देश के कई हिस्से में लू का प्रकोप जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित उत्तर पश्चिम भारत के 5 जिले के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। CBSE ने बोर्ड परीक्षा केंद्रों को कोरोना और लू से बचाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। CBSE ने परीक्षा केंद्रों को धनराशि मुहैया कराकर पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है। संसद की एक समिति ने गुरुवार को गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य प्रौद्योगिकी कंपनी की प्रतिस्पर्धा गतिविधियों पर चर्चा के लिए उनके प्रतिनिधियों को तलब करने का निर्णय किया है, जिसके मद्देनजर संसद के स्थायी समिति की अगली बैठक 12 मई को होने की संभावना है। यूपी के कानपुर के इंदिरानगर में रहने वाले पूर्व DIG की बहू और भाजपा जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह की मौत के बाद उनकी बेटियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्हें रोते देखा जा रहा है। वहीं इन लोगों ने योगी और मोदी जी से मां को न्याय दिलाने की मांग की है। बिहार राष्ट्रीय जनता दल व जनता दल यूनाइटेड की इफ्तार पार्टी के बाद आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की इफ्तार पार्टी में एक सप्ताह में तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है। वहीं जमानत पर रिहा हो चुके RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल पटना आ सकते हैं। दिल्ली में अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर लगातार जारी कार्रवाई के बीच दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में बदमाशों और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी है, जिसे अस्पताल रेफर किया गया है। पंजाब के बठिंडा में भगता भईका के बस स्टैंड में आग लगने से 4 बसें जली, जिसमें अंदर सो रहे कंडक्टर की भी मौत हो गई है। बिजली संकट से जूझ रहा है हरियाणा, जिसके चलते थर्मल प्लांटों में कोयला पहुंचाने के लिए लगाई गई मालगाड़ियां, वहीं कई पैसेंजर ट्रेनों को किया गया रद्द। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली जाएंगे, जहां वह विज्ञान भवन में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कुछ केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। झारखंड के जमशेदपुर के कांदर बेड़ा डेबो मुखमार्ग पर सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी समेत 4 अन्य जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस पर नागरिकों से बोरे बासी खाने की अपील की। साथ ही बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। इस पावन भूमि को हमारे किसानों और श्रमिक भाइयों ने अपनी मेहनत और पसीने से सींचा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ने कोयला से भरी ट्रेन को निकालने के लिए पैसेंजर ट्रेनों को रोका है, जिससे कई ट्रेनें लेट चल रही है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले लोगों को दिहाड़ी न मिलने पर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने सरकार पर गरीबों का हक मारने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी छोड़कर कश्मीर की सियासत में अपना भविष्य तलाशने वाले IAS डॉक्टर शाह फैजल अंततः सरकारी सेवा में लौट आए हैं। उनकी सेवाओं को जम्मू कश्मीर के महाप्रशासनिक विभाग को सौंपा गया है। बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक श्याम मंडल भी खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अंतर्गत झरिया पाली के पास यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बस में सवार 15 से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया थाने के बिहांग गार्डन के कथित अनाधिकृत निर्माण और बिल्डरों को 18 करोड़ रुपए के जुर्माने से छूट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक के खिलाफ आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक को एक किसान की सिर्फ 31 पैसे की बकाया राशि पर भूमि बिक्री मामले में बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डेटासरा ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस खतरनाक जीव है, यह देश के लिए दीमक की तरह है। भाजपा खुद पहले मंदिर तुड़वा रही है और फिर आंदोलन कर रही है। गले में खराश हो जाए तो इसके लिए तुलसी के कुछ पत्ते को कूटकर उसका रस निकालें और इसमें गुड़ का पाउडर मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिए, इससे जल्द फायदा होगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा के लिए आवेदन की 30 अप्रैल लास्ट डेट है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आईपीएल में अब तक किसी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सुरेश रैना पहले नंबर पर थे, जिन्होंने पीयूष चावला के खिलाफ 175 रन बनाए थे। लेकिन अब डेविड वार्नर ने सुनील नरेन के खिलाफ 176 रन बनाकर रैना के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ वॉक करते दिखे नन्हे जय, जहां नन्हे जय का अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।